हाय एवरीवन, मैं हूं जेसन रवि, सत्य और सिनेमा की आवाज और समरी ऑफ सिनेमा में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए मलयालम फिल्म मल्लिकापुरम का रिव्यू करने वाले हैं, जो हाल ही में सिनेमा घरों में रिलीज हुई है। फिल्म में हम देखते हैं पंचाली मेडू गांव में 8 साल की एक छोटी सी लड़की कल्याणी, जो कि भगवान अय्यप्पा की बहुत बड़ी भक्त है। उसकी आस्था इतनी सच्ची है कि अय्यप्पा का नाम सुन लेने से ही उसके चेहरे में अलग सी चमक आ जाती है। एक दिन वो और उसका दोस्त पीयूषनी अकेले निकल पड़ते हैं सबरीमला मंदिर जाकर अय्यप्पा के दर्शन करने के लिए, और ये फिल्म उन दोनों बच्चों की जर्नी दिखाती है, खास करके कल्याणी की जर्नी। अब इंटरवल के पहले बच्चों पे आती है मुसीबत और होती है हमारे हीरो उन्नी मुकुंदन की एंट्री, और उनकी एंट्री देखकर आपके फेस में स्माइल आ जाएगी। लेकिन मुश्किलें बढ़ती चली जाती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स कल्याणी और श्रीपत फेस करेंगे और क्या कल्याणी और श्रीपत ये जर्नी खत्म कर पाएंगे, ये देखने के लिए फिल्म आपको देखनी होगी थिएटर्स। फिल्म को डायरेक्ट किया है विष्णु शंकर ने, जिन्होंने एक ऐसे फिल्म बनाई है जिसको आप जरा भी मिस नहीं कर सकते। वो आपको हंसाएंगे भी और आपको रुलाएंगे भी। उनका डायरेक्शन लाजवाब, जिस तरीके से उन्होंने अपने कल्चर को दिखाया है, अपनी आस्था को पोर्ट्रे किया है, वो कमेंडेबल है। ये फिल्म को प्रोड्यूस किया है प्रिया वेणु और नीता पिंटो ने। फिल्म का एक और एस्पेक्ट जो फिनोमिनल है, वो है उसका म्यूजिक, जिसको कंपोज किया है रंजीत राज। इस फिल्म में उन्नी मुकुंदन, श्रीपत यानी कि पीयूष और साइजो कुरु सभी ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, लेकिन जिसने शो स्टिल किया है वो है देवनाथा यानी कि छोटी कल्याणी। 8 साल की होकर भी जो परफॉर्मेंस उसने दिया है, वो हम जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। कमाल की मैच्योरिटी है एक्टिंग में। फिल्म में कुछ चीजों को लेकर हम इतने श्योर नहीं होते, जैसे कि 8 साल के दो बच्चे गायब हो जाते हैं और पेरेंट्स उनको ढूंढ भी नहीं रहे, और भी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको परेशान कर सकती है, लेकिन फिल्म हमारे उन सारे डाउट को आगे चलकर सुरती से सॉल्व करती है। ओवरऑल हमारा ये मानना है कि फिल्म आपको 100% देखनी चाहिए थिएटर्स। We recommend it as a must watch. So well friends, ये था मल्लिकापुरम फिल्म का रिव्यू आपके लिए। कैसा लगा ये कमेंट्स में बताना। अगर लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाई है तो गॉड ब्लेस यू, और अगर नहीं दबाया प्लीज दबा दीजिए, और हमारे एफर्ट्स को सपोर्ट और एंकरेज कीजिए। रिव्यू को धार्मिक रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। फिलहाल के लिए मैं जेसन रवि विदा लेता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया और जय हिंद।